हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका स्वागत है। मैं विनोद जांगड़ा एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको गेज के बारे में विद इन प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि भी गेज का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, गेज की फुल डेफिनेशन, मटेरियल वगैरह, पार्ट्स वगैरह या फिर टाइप्स ऑफ गेज की एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको गेज ही खाली दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बेटा प्लग गेज पे आप फोकस करोगे। विद इन प्रैक्टिकल हम देखेंगे ये वाला, ये जो गेज है, बिल्कुल पूरा जूम कर देना बेटा, बिल्कुल अच्छी तरह ही दिखे, बच्चों को पता चले कि भी ये जो गेज है इसको हम प्लग गेज बोलते हैं। ये देखिए, ये सिरा हमारा गो है और ये नोट गो सिरा है। ये गो सिरा रहेगा, गो सिरा में लंबाई में बड़ा होता है, नोट गो छोटा होता है। बिल्कुल क्लियर है ना ये चीज। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गो और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट गो। गो जो सिरा है वो लो लिमिट में बना होता है, ठीक है, और ये हाई लिमिट में बना हुआ होता है, ठीक है। अगर हम गेज का जब प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं प्लग गेज का, किसी भी इंटरनल जॉब को चेक करने के लिए, यानी अंदर के होल को चेक करने के लिए। जब हम किसी भी होल को चेक करेंगे तो इसके ऊपर टच होगी, टच होगा तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये घिसने की संभावना अधिक रहती है। तो इसलिए इसके ऊपरी भाग को क्या कर देते हैं, हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, प्लग गेज। नेक्स्ट देखिए, इसको हम बोलते हैं स्नैप गेज। क्या बोलते हैं, स्नैप गेज। इसके ऊपर भी गो और नोट गो लिखा होता है। स्नैप गेज का जो प्रयोग करते हैं किसी भी फ्लैट की थिकनेस को चेक करने के लिए, मोटाई को चेक करने के लिए, जैसे ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए एडजस्टेबल स्नैप गेज। बिल्कुल इसमें तीन तरह की एनविल रहती है। कितने तरह की, तीन तरह की। नंबर एक देखिए, फिक्स एनविल, दो एनविल ऊपर लगी हुई है, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल एनविल, ठीक है। यहां जैसे जॉब मैंने रख दी है ये वाली, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा करेंगे, स्लिप गेज के द्वारा। आगे वाला आपको याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे, गो है, और ये पीछे वाला कौन सा है, नोट गो है। पीछे वाला नोट गो इसलिए क्योंकि हाई लिमिट में मापता है, यानी इसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना, साइज थोड़ा क्या रहता है इसका, बड़ा रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट है हमारा फिलर गेज, ठीक है। फिलर गेज का प्रयोग दो मैचिंग पार्ट्सों के बीच जो गैप होता है उसको किसके द्वारा चेक करते हैं, फिलर गेज के द्वारा। तो ये देखिए, ये जॉब है, ठीक है, इसके बीच में जो गैप है तभी चल रही है ना ये, इस गैप को कैसे चेक करेंगे, तो वो करेंगे फिलर गेज के द्वारा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके कैसे कैसे चेक करना है। ये देखिए, ये नहीं जा रही है, इसका मतलब ये साइज हमारा ज़्यादा है। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको, अब ये डालेंगे ये वाला, इसका मतलब लूज है ये, ठीक है ना, ये देखिए बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, एक पत्ती के साथ और ज्वाइंट करूँगा इसके साथ, अब डालेंगे इसमें, ठीक है ना। ऐसे हम इसको, इसका गैप चेक करेंगे, इस पत्ती के ऊपर इसका साइज लिखा हुआ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलर गेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिंग गेज। क्या आता है, रिंग गेज। रिंग गेज तो नहीं है, लेकिन ये मैंने एक सीधा सा एक नट लिया हुआ है, बिल्कुल गोल होता है, उसका प्रयोग भी हम किसी भी गोलाकार जॉब का बाहरी व्यास को चेक किससे करते हैं, रिंग गेज के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए स्क्रू पिच गेज। कौन सा है, स्क्रू पिच गेज, ये देखिए बिल्कुल, ठीक है ना। स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं, स्क्रू की थ्रेड यानी पिच को चेक करने के लिए। पिच किसको बोलते हैं, ये देखिए, अब मैं बताऊंगा, ये मेरे हाथ में क्या है, ये बोल्ट है, बोल्ट पिच किसको बोलेंगे, ये जो चूड़ियों का जो गैप है ना, इसको हम पिच बोलते हैं। ये जो चूड़ी कटी हुई है, ये देखिए बिल्कुल पैरेलल, इनका जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच। तो इसकी पिच हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, इसकी पिच चेक करेंगे भाई, कौन सी पिच के अनुसार ये सेटअप है या नहीं है। ये भी नहीं आ रही है, स्टॉप करो, ये देखिए बिल्कुल है ना, ये पिच है, इस पिच को मैं ऐसे चेक करूंगा। अगर हमारी बोल्ट की रूट और क्रेस्ट स्क्रू पिच जो गेज की पत्ती के अंदर जो सांचे कटे हुए हैं वो अगर आपसे मैच हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पिच बोलते हैं। ये देखिए बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे चेक करना, बिल्कुल सेटअप हो जाए तो वो इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, ये हमारी 11 ग्रेड की पिच है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके बाद में, ये देखिए साइन बार, क्या है ये, इसको हम साइन बार बोलते हैं, ठीक है ना। इसका साइज कहाँ से कहाँ लेते हैं, मेन पर्सन ये है,
ये दो रोलर लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें इस रोलर के सेंटर से और दूसरे जो नेक्स्ट जो रोलर है इसका, इसकी जो बीच की सेंटर की और सेंटर से बीच की जो दूरी है वहाँ से साइन बार का साइज लिया जाता है। साइन बार का जो प्रयोग होता है वो किसी जॉब का एंगल निकालने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है। साइन बार के साथ स्लिप गेज और डीटीआई का होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको साइन बार के द्वारा कैसे साइन बार और स्लिप गेज कैसे कैसे हम एंगल निकालते हैं वो प्रैक्टिकल हम करेंगे। मैंने जो जो गेज अवेलेबल थे उन गेज के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का भी बटन प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।